हेलो स्टूडेंट तो आज हम पढ़ेंगे डेटा एंट्री तो डेटा एंट्री में पहला चैप्टर है हमारा बेसिक ऑफ कंप्यूटर क्या है चैप्टर का नाम बेसिक ऑफ़ कंप्यूटर उसमें इंट्रोडक्शन है कि इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे कंप्यूटर सिस्टम की डिज़ाइनिंग होती है इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मॉनिटर कीबोर्ड माउस यही सब के बारे में हम पढ़ेंगे चलिए तो हम ज़्यादा एक एक लाइन करके नहीं पढ़ते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करते हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं यहाँ ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम कि हम इस लेसन में क्या पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और फिर दूसरा है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस फिर सॉफ्टवेयर उसके क्लासिफिकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसके अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस और कंप्यूटर लैंग्वेज को डिस्क्राइब करेंगे उसके क्लासिफिकेशंस को देखेंगे चलिए हम फर्स्ट टॉपिक देखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है तो यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर इज़ ए डिवाइस डेट ट्रांसफॉर्म डाटा इंटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो डाटा डाटा मतलब आप क्या समझें डाटा जो भी हम कुछ डाटा कंप्यूटर को दिए उसको एक मीनिंगफुल मीनिंगफुल मतलब मतलबी मतलब नुमा जैसे उसका क्या मतलब निकलता है उसका क्या इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफॉर्म करता है जैसे डाटा कुछ भी हो सकता है डाटा इज लाइक like नाम उम्र आप मेल हैं या फीमेल हैं आपका वेट आपकी हाइट या फिर स्टूडेंट जो क्लास में है ये सब हो सकता है ठीक है तो कंप्यूटर को लिखा हुआ है कंप्यूटर इज आल्सो बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ फंक्शन इट कैन परफॉर्म उसको इस माध्यम से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो कैसे काम करता है कैसे कार्य करता है तो अ कंप्यूटर कैन स्टोर डाटा प्रोसेस डाटा मतलब एक कंप्यूटर जो है किसी डाटा को एक्सेप्ट करता है मतलब हम कोई डाटा अगर कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं जैसे कि हम आपके क्लास के बारे में आपके बारे में कि व्हाट इज़ योर नेम व्हाट इज़ योर फादर नेम तो ये एक हम डाटा कंप्यूटर को दिए तो वो उसको रिसीव करेगा फिर स्टोर डाटा हम ये जो डाटा दिए उसको वो सेव करके रख सकता है प्रोसेस द डाटा वो उस डाटा को प्रोसेस करेगा रिट्रीव्ड करेगा वो जो स्टोर डाटा है उसको हम दोबारा खोल के देख सकते हैं इसको हम बोलेंगे रिट्रीव द स्टोर डाटा जब उसकी रिक्वायरमेंट हो और फिर अगला है पांचवा प्रिंट द रिजल्ट एज डिजायर्ड फॉर्मेट मतलब हमको जिस फॉर्मेट में रिजल्ट चाहिए हम उसको प्रिंट भी करा करा सकते हैं है। मान लीजिए कि हम कुछ डाटा दिए कंप्यूटर को कि मेरा नाम है एक्सवाई जेड मेरे फादर का नाम है फिर हम इस क्लास में पढ़ते हैं और समझ रहे हैं ये स्कूल है हमारा इतने बच्चे हैं ये और इस डाटा को हमको प्रिंट आउट लेना इस डाटा को स्टोर कर दिए पहले फिर इसको जब ज़रूरत पड़ी उसको निकाले फिर इसको प्रिंट आउट लिए तो ये हमारा एक कंप्यूटर है इसको इस माध्यम से भी हम डिफाइन कर सकते हैं ठीक है अब आइए देखते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये एक छोटा सा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का ब्लॉक डाइग्राम है इसे समझिए क्या है पहले है इनपुट यूनिट इनपुट यूनिट क्या करता है मेमोरी यूनिट कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक ये है एल यू आप समझते होंगे आर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और फिर इसके थ्रू फिर वो आउटपुट देता है हमारा डाटा तो ये देखिए ये है ब्लॉक डाइग्राम है कंप्यूटर का ठीक है कंप्यूटर का ब्लॉक डाइग्राम मतलब बोले तो जैसे इनपुट इनपुट क्या है कि हम कंप्यूटर को जैसे दो दो नंबर्स है टू प्लस टू तो हम कंप्यूटर को इनपुट दिए टू प्लस टू तो वो जाएगा मेमोरी यूनिट में मेमोरी यूनिट क्या करता है वो टू प्लस टू को स्टोर करेगा कि हाँ टू प्लस टू लिख के आया ठीक है फिर वो जाएगा कंट्रोल यूनिट में कंट्रोल यूनिट क्या देखेगा कि अच्छा टू और टू में बीच में सिंबल है प्लस तो उसको क्या करना है एड करना है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है वो उसको प्लस करेगा अब टू और टू को वो प्लस कर देगा और आउटपुट यूनिट है जो उसको प्रिंट आउट कर देगा टू प्लस टू इक्वल टू फोर आउटपुट यूनिट मतलब हमारा मॉनिटर जो डिस्प्ले कर देगा कि हाँ ये टू प्लस टू इक्वल टू फोर होगा ये है हमारा बेसिक एक ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर तो कंप्यूटर जो है वो बेसिकली पांच मेजर यूनिट से बन के मिल के बना हुआ है पहला क्या है पहला है इनपुट मतलब क्या जिससे हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं इनपुट कंप्यूटर को कुछ डाटा मिला दूसरा क्या है स्टोर डाटा वो डाटा को स्टोर करता है तीसरा है डाटा को प्रोसेस करना फिर चौथा है रिजल्ट देना आउटपुट और पांचवा है जो सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है इट कंट्रोल ऑल ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर ठीक है चलिए लिखा हुआ है कि हम इसको नीचे डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में व्हाट इज इनपुट तो मैंने जैसा आपको बताया इनपुट जो है दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरिंग डाटा एंड प्रोग्राम इन टू द कम्प्यूटर सिस्टम ये एक प्रोसेस है जिससे डाटा और प्रोग्राम जो भी है हम कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं ठीक है कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट है द प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इज परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ यूनिट कॉल्ड कंट्रोल यूनिट जो इनपुट डाटा आउटपुट डाटा जो भी है उसको स्टोर करता है उसके देखरेख में सुपरविजन मतलब उसकी देखरेख में उसको बोलते हैं हम क्या कंट्रोल यूनिट वो इनपुट आउटपुट डाटा को स्टोर करता है फिर है मेमोरी यूनिट वही है कंप्यूटर इज यूज टू स्टोर द स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन वो डाटा को स्टोर करता है फिर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है ये है जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन या फिर लॉजिक कंपेरिजन जो भी है मैथमेटिकल रिलेटेड उसको परफॉर्म करता है जैसे ऐड करना है हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो वो आपको ऐड सब्ट करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा ठीक है आउटपुट क्या है आउटपुट के थ्रू हमें रिजल्ट मिलता है जैसे ऐड हुआ सब्ट्रैक्ट हुआ तो वो आउटपुट हमें दिखेगा ना स्क्रीन में तो वो उसको आउटपुट बोलते हैं ठीक है थीके? ये इंटेक्सट क्वेश्चन है ये आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा हम आगे बढ़ते हैं ठीक है पेरीफेरल डिवाइस ये पेरीफेरल डिवाइस क्या होता है पेरीफेरल डिवाइस आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली जो कंप्यूटर से एक्सटर्नली एक्सटर्नली मतलब एज अ हार्डवेयर हार्डवेयर के रूप में हमारे कंप्यूटर डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं दिस डिवाइस आर यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन ये कुछ अपना सबका एक कुछ कुछ निजी फंक्शन होता है निजी कार्य होता है जो वो परफॉर्म करते हैं करते हैं उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे पहला इनपुट डिवाइस दूसरा आउटपुट डिवाइस फिर है तीसरा अदर पेरिफेरल ये जैसे देखिए उसमें एक मॉनिटर है ये कंप्यूटर है टोटल ये कंप्यूटर डिवाइस है लेकिन ये किस किस चीज़ों से बना हुआ है यहाँ एक मॉनिटर है एक कीबोर्ड है एक माउस है फिर ये एक डिस्क ड्राइव है ये पूरा सीपीयू है ठीक है चलिए ये देखेंगे कि इनपुट डिवाइस में क्या क्या होता है जो डाटा को एक्सेप्ट करता है तो इनपुट डिवाइस डिवाइस होता है कीबोर्ड माउस लाइट पेन मैग्नेटिक स्कैनर टच स्क्रीन माइक्रोफोन ट्रैक बॉल इनका क्या यूज है अब कीबोर्ड का क्या यूज है कैसे इनपुट डिवाइस डिवाइस हुआ तो कीबोर्ड के थ्रू हम टाइप करके कैसे मॉनिटर को कुछ इनपुट देते हैं कंप्यूटर को क्या कुछ इनपुट देते हैं कीबोर्ड से माउस से जब हम उसको टैप करते हैं तो वो कंप्यूटर में कुछ इनपुट जाता है अब ये कीबोर्ड है जैसा कि मैंने आपको बताया वो क्वार्टी कीबोर्ड है उसको उसमें वन हंड्रेड एंड फोर कीज होते हैं अब मैं बच्चों सारी एक एक लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के बताऊँगा तो फिर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप डिटेल में पढ़ लेना मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ तो कीबोर्ड का क्या मतलब बताया मैंने आपको बस कीबोर्ड से हम कुछ भी डाटा टाइप किए वो एक इनपुट है ठीक है वैसे ही माउस का भी है माउस भी आप पढ़ लेना लाइट पेन ऑप्टिकल स्कैनर ये सब एक इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन हम टच करके कि वो कंप्यूटर को कुछ इनपुट दे रहे हैं फिर वो उसको सॉल्व करके आउटपुट देगा माइक्रोफोन माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस डिवाइस कैसे हुआ हम माइक्रोफोन अटैच किए उससे कुछ बोलें हम कुछ उसको इनपुट दिए आवाज़ दिए उसको जैसे हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिए तो वो हमें उसके बाद रिजल्ट प्रोवाइड करेगा ठीक है अब देखिए देखते हैं आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या है आउटपुट डिवाइस जो है हमारे प्रोसेस डाटा को रिटर्न में प्रोवाइड करता है देखिए जैसे मॉनिटर जैसे हम कीबोर्ड से कोई इनपुट टाइप किए तो वो हमें कहां आउटपुट दिखेगा मॉनिटर में माउस से हम कुछ भी इनपुट दिए लाइट पेन टच स्क्रीन हम कहीं भी दिए तो वो हमें कहीं तो दिखेगा ना तो वो कहा दिखता है मॉनिटर पे फिर प्रिंटर हुआ प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जैसे हम कुछ भी इनपुट डिवाइस दिए फिर उसको प्रिंट आउट निकाले तो एज अ आउटपुट डिवाइस वो हमें एक हार्ड कॉपी पेपर पे प्रिंट करके देता है ना तो हम उसको बोलेंगे आउटपुट डिवाइस स्पीकर जैसे हम माइक्रोफोन से कुछ बोलें तो वो हमारी आवाज़ कहाँ से बाहर आएगी या फिर जैसे हम कंप्यूटर में वीडियो प्ले किए गाने सुन रहे हैं तो वो एक स्पीकर के माध्यम से हमें सुनाई देता है ना तो वो स्पीकर को हम बोलेंगे आउटपुट डिवाइस बाकी ये डिटेल में सबके बारे में बताया हुआ है आप पढ़ लेना एक बारी प्रिंटर भी चार प्रकार के होते हैं मॉनिटर भी है सीआरटी मॉनिटर एल सी डी ये सब आप पढ़ लेना सही से और फिर देखिए आगे प्रिंटर प्रिंटर भी चार प्रकार के होते हैं लेज़र इंकजेट डॉट मैट्रिक्स लाइन प्रिंटर ये सारे के बारे में डिटेल में बताया हुआ है स्पीकर और ये छोटा इंटेक्सट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप घर अगला टॉपिक है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर एज यू आर अवेयर आप इससे रूबरू होंगे कि कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी थिंग ऑन इट्स ओन कंप्यूटर जो है हमारा खुद से कुछ भी नहीं करता वो कैसे करता है इट इज द यूजर एक यूजर होता है हम आप हुए जो यूजर उसको बोलते हैं जो यूज कर रहा है कंप्यूटर को जो काम कर रहा है ये बेसिक चीज़ है आप समझ रहे होंगे वट इज यूजर तो यूजर है जो कंप्यूटर को पहले इंस्ट्रक्ट करता है क्या इंस्ट्रक्ट करता है वॉट टू डू वॉट टू डू मतलब क्या करना है हाउ टू डू मतलब कैसे करना है एंड वेन टू डू मतलब कब करना है ठीक है इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनी टास्क यू हैव टू गिव द सेट ऑफ इंस्ट्रक् इंस्ट्रक्शन इन अ पार्टिकुलर सिक्वेंस टू द कंप्यूटर हमें अगर कोई टास्क देना है कंप्यूटर को तो हमें एक पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शन मतलब एक सीक्वेंस बनाना होगा सीक्वेंस मतलब आप समझ रहे होंगे एक इंस्ट्रक्शन देना होगा कंप्यूटर को और उस इंस्ट्रक्शंस देने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं प्रोग्राम द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड प्रोग्राम ठीक है सॉफ्टवेयर क्या है सेट ऑफ प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन है सेट ऑफ प्रोग्राम है क्या है जो हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है ठीक है सॉफ्टवेयर जो है क्लासिफाइड है कुछ कैटेगरीज में कुछ सब कैटेगरीज में जैसे हम देखेंगे सॉफ्टवेयर ये है सॉफ्टवेयर इसके दो टाइप होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो टाइप होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटीज़ फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो टाइप होते हैं जनरलाइज पैकेज कस्टमाइज पैकेज इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है वेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो दो प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर एग्जीक्यूटेड विच एक्टिवेट डिफरेंट यूनिट तो जो प्रोग्राम है जो रोम रेंड रोम मतलब रीड ऑनली मेमोरी मतलब आपके स्टोरेज में जो स्टोर्ड प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है वो डिफरेंट यूनिट मतलब कंप्यूटर के अन्य विभिन्न भागों में जब एग्जीक्यूट होता है एंड इट्स रेडी टू मेक फॉर यू टू वर्क ऑन इट और तैयार करता है क्या कि अब आप इस पर काम करें दिस सेट ऑफ प्रोग्राम कैन बी कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर तो इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं समझ गए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है सेट ऑफ प्रोग्राम है रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंप्यूटर क्या है रिस्पॉन्सिबल है यही किस चीज के लिए कंप्यूटर को रन कराने के लिए कंट्रोलिंग वेरियस ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सारे काम को सारे कार्य को क्या करता है वो कंट्रोल करता है किस चीज़ का कंप्यूटर सिस्टम का एंड मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स और कंप्यूटर से रिलेटेड सारे रिसोर्सेज जो हैं उसको मैनेज करता है ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम ओ एस फॉल अंडर दिस कैटेगरी इस कैटेगरी में एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम क्या है उसके बारे में देखते हैं एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर डेट प्रोवाइड एन इंटरफेस ऑफ यूजर टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है हम एक इंटरफेस हम एक माध्यम प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए कि हम कंप्यूटर से कैसे बात करें कैसे हम उसको इंस्ट्रक्शंस दें और कैसे उससे आउटपुट रिसीव करें समझ गए आप कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है मैनेज हार्डवेयर डिवाइसेज हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे डिस्क कीबोर्ड मॉनिटर है इसको कैसे मैनेज करना है मैनेज एंड मेंटेन डिस्क फाइल जो हमारे सिस्टम में कुछ फाइल्स है उसको कैसे मैनेज करना है कैसे मेंटेन करना है कहाँ सेव करना है कब रिसीव करना है कब कैसे उसको ओपन करना है इसको ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या करता है वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है एंड सपोर्ट अप्लीकेशन प्रोग्राम और वो अप्लीकेशन जो अप्लीकेशन मतलब आप समझ रहे हैं जैसे हमारे कंप्यूटर में एम एस वर्ड है एम एस पावर पॉइंट है तो उसके सपोर्ट को मतलब सपोर्ट समझ रहे हैं जैसे उसको कहाँ स्टोर करना है क्या करना है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंटरफेस प्रोवाइड करता है समझ गए? ऑपरेटम ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूनिक्स विंडो और लिनक्स पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है यूनिक्स है विंडो है लिनक्स है मैक ओएस है जो एप्पल में यूज होता है ठीक है आईओएस बोलते हैं जिसको ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आजकल हम एक मोबाइल फोन यूज करते हैं एंड्रॉयड एंड्रॉयड भी क्या है एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है ऑल दो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ऑल द फीचर यूजर नीड टू यूज एंड मेंटेन देयर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जो हमें सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है किसको यूजर्स को यूजर कौन है हम हैं जो इसको हम यूज करते हैं मेंटेन करते हैं किस चीज के लिए किस चीज में अपने सिस्टम को मेंटेन करते हैं समझ गए जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि सारे यूजर का अपना अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है जैसे जो विंडो यूज कर रहे हैं तो उस वो विंडो पे ही यूज कर पाते हैं यू, यूज कर पाएंगे जो ओएस यूज कर रहे हैं आईओएस यूज कर रहे हैं जो लिनक्स यूज कर रहे हैं तो वो सिर्फ उसी पे यूज कर पाते हैं जैसे विंडो सब का एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं कर पाएगा समझ गए आप दिस हेज लीड टू अनडर टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कॉल्ड यूटिलिटीज ऐसे एक अनडर टाइप के सिस्टम है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको हम क्या बोलते हैं एक और अलग प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसको हम क्या बोलेंगे यूटिलिटीज जो कि कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए बना होता है दिज आर प्रोग्राम डेट ब्रीज द गैप बिटवीन द फंक्शनैलिटी ऑफ एन ओ एस ये क्या है एक प्रोग्राम है डेट ब्रीज द गैप जो एंड द नीड ऑफ यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन के बीच के गैप को भरता है और जिस चीज की हमें जिस चीज की यूजर को रिक्वायरमेंट है उसको कौन भरता है यूटिलिटीज समझ गए यूटिलिटीज प्रोग्राम आर अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर सच एज कंप्रेस अनकम्प्रेस फाइल सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्प्लिट एंड ज्वाइन फाइल सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज प्रोग्राम क्या है वो अलग अलग कैटेगरीज़ का सॉफ्टवेयर है जैसे कंप्रेस करना जैसे किसी फाइल को छोटा करना अनकम्प्रेस करना मतलब उस फाइल को बड़ा करना फिर फाइल फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हुआ एंटीवायरस क्या बोलेंगे जैसे हमारे सिस्टम में कुछ थ्रेट आ गए कुछ मतलब वैसे कुछ जंक फाइल आ गए तो उसको क्लियर करना स्प्लिट एंड ज्वाइंट फाइल सॉफ्टवेयर जैसे फाइल को दो भागों में बांटना दो भागों में जो फाइल है उसको जोड़ना इस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं ठीक है थीके? टॉपिक है अपलिकेशन सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम ये भी एक प्रोग्राम का सेट होता है क्या है ये भी कुछ टास्क परफॉर्म करता है उदाहरण के लिए हम देखेंगे कैन अप्लीकेशन पैकेज इज मैनेजिंग लाइब्रेरी जो अप्लीकेशन पैकेज होता है वो लाइब्रेरी मैनेज करता है जिसको क्या बोलते हैं लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम जिसका काम क्या होता है जो मैनेज करता है किस चीज़ को इन्फॉर्मेशन को किस चीज़ का इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी का इन्फॉर्मेशन जैसे कीपिंग बुक डिटेल जैसे बुक्स के डिटेल के बारे में स्टोर करना फिर अकाउंट होल्डर डिटेल अकाउंट होल्डर का डिटेल बुक इशू डिटेल बुक किसके नाम पे इशू है किस डेट को इशू है इसका डिटेल बुक रिटर्न डिटेल बुक रिटर्न कब किया उसका डिटेल और भी अनेक प्रकार प्रकार का होता है अनदर अप्लीकेशन पैकेज फॉर मैनेजिंग स्टूडेंट डिटेल इज कॉल्ड स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम और भी अदर अप्लीकेशन पैकेज होता है जो क्या आप मैनेज करता है स्टूडेंट्स के डिटेल को उसको क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जिसमें स्टूडेंट का सारा इन्फॉर्मेशन होता है कि वो उसका नाम क्या है किस क्लास में पढ़ता है क्या सेक्शन है उसके पेरेंट्स का नाम क्या है उसका रोल नंबर क्या है वो एग्जामिनेशन रिजल्ट उसका क्या है ये इसको बोलेंगे हम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा जाता है किसमें एक जनरलाइज पैकेज और एक कस्टमाइज पैकेज ठीक है चलिए देखते हैं दोनों को पार्टिकुलरली जेनरलाइज्ड पैकेज क्या होता ये है यह है दीज आर द यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर ये यूजर फ्रेंडली मतलब इजी टू यूज टू यूजर यूजर जैसे हम आप हुए जो यूज कर रहे हैं जो आसानी से इसको यूज कर सकते हैं रिटर्न टू कैटर टू यूजर वेरी जनरल नीड सच एज प्रिपेयर डॉक्यूमेंट किस चीज के काम आता है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए ड्राइंग पिक्चर पिक्चर्स बनाने के लिए डाटा बेस टू मैनेज डाटा इंफॉर्मेशन डाटा बेस का मतलब क्या हुआ एक स्टोरेज डिवाइस जिसमें डाटा हुआ कुछ इंफॉर्मेशन हुआ जो हम डाटा दे रखें उसको स्टोर करने के लिए प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन प्ले गेम्स इटीसी जैसे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए गेम्स खेलने के लिए समझ गए इट इज ए ग्रुप ऑफ़ प्रोग्राम डेट प्रोवाइड जनरल पर्पज टूल टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम ये एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम मतलब बहुत सारे प्रोग्राम प्रोग्रामों का समूह होता है जो क्या प्रोवाइड करता है जो छोटे छोटे टूल्स प्रोवाइड करता है टूल्स मतलब समझ गए टूल्स प्रोवाइड करता है किसी के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठीक है सम ऑफ द जनरलाइज पैकेज आर लिस्टेड बिलो कुछ वैसे जनरलाइज पैकेज हैं जिसको नीचे दिया गया है एक एक करके हम देखेंगे क्या है पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मीन्स क्या हुआ जिससे हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जिसमें क्या क्या एप्लीकेशन यूज होता है वर्ड परफेक्ट एमएस वर्ड ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी राइटर ये सब कुछ एक अप्लीकेशन है जिससे क्या होता है डॉक्यूमेंट्स बनता है फिर दूसरा है स्प्रेडशीट जिससे हम डेटा एनालिसिस करते हैं जैसे लोटस स्मार्ट सूट ये एक एप्लीकेशन है फिर एम एस भी एक एप्लीकेशन है जिसमें हम डेटा फीड करके रखते हैं ठीक है एप्पल नंबर फिर तीसरा है प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन में क्या बनाते हैं हम प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यह भी एक एप्लीकेशन है ओपन ऑफिस इम्प्रेस ये क्या है ये तीनों आप इससे क्या समझ रहे हैं ये एक अप्लीकेशन है जो हमारे कंप्यूटर में यूज होता है किस चीज़ के लिए जैसे ये वर्ड प्रोसेसिंग में ये डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है एम एस एक्सल है जो डाटा एनालिसिस के लिए डाटा फिड करने के काम आता है ये क्या है एम एस ऑफिस एम एस पावर पॉइंट ये प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है फिर ये क्या है एम एस एक्सेस जो डाटा बेस मैनेजमेंट करता है एस क्यू एल सर्वर और एक्ल ये एक अप्लीकेशन है जो किसी चीज़ के काम आता है डेटाबेस को मैनेज करने के अब जैसे ग्राफिक टूल्स जैसे हमें ग्राफिक पेंट बनाना है पेंटिंग करनी है तो इसमें कौन सा ऐप यूज होता है पेंट शॉप एडोप फोटोशॉप इसमें हम क्या करते हैं ग्राफिक बनाते हैं फोटोज़ बनाते हैं फोटोज एडिट करते हैं समझ गए तो उसमें दूसरा था बच्चों कस्टमाइज पैकेज कस्टमाइज पैकेज क्या होता है दीज आर द अप्लीकेशन डेटर कस्टमाइज और डेवलप टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कस्टमाइज पैकेज किसको बोलते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन के ज़रूरत के अकॉर्डिंग एक अप्लीकेशन को कस्टमाइज मतलब उसके ज़रूरत के अकॉर्डिंग बनाया जाता है उसको हम कस्टमाइज पैकेज बोलते हैं वो कस्टम कस्टमाइज अप्लीकेशन होता है जैसे एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डिटेल तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डिटेल में जो इंस्टीट्यूशन है उसको क्या चाहिए होगा जिसमें स्टूडेंट का नाम हो रोल नंबर हो पेरेंट्स नेम हो फिर कौन से क्लास में है ये डिटेल्स उसको उस तरीके का एक अप्लीकेशन चाहिए तो उसको कस्टमाइज करके बनाया जाएगा ठीक है उसके भी कुछ एग्ज़ाम्पल है जैसे पेरोल पैकेज इन्वेंट्री कंट्रोल ये सब एक एग्जाम्पल एक है उसके ठीक है अब देखिए कुछ पैकेज हैं जो डेवलप हैं हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए ठीक है हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज है कुछ पैकेज हैं जो डेवलप किए जाते हैं उसके लिए जिसमें पहला है कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज आर नो आर मींस ऑफ कम्युनिकेशन ये क्या है बात करने का एक साधन है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का एक साधन है नॉर्मली पीपुल इंटरेक्ट विथ ईच अदर थ्रू अ लैंग्वेज जैसे हम आप कैसे एक दूसरे से बात करते हैं एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं कोई हमारी भाषा होती है जैसे कुछ लोग हिंदी में बात करते हैं कुछ लोग मराठी में बात करते हैं कुछ लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो ये नॉर्मली पीपुल नॉर्मल लोगों को एक दूसरे से बात करने की एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का एक नॉर्मल लैंग्वेज होता है तो यही सेम पैटर्न कंप्यूटर भी फॉलो करता है कम्युनिकेशन के लिए जो उसका भी कुछ एक लैंग्वेज होता है तो वो लैंग्वेज अंडरस्टूड कौन करता है एक कंप्यूटर और दूसरा जो यूज़र जो बैठा हुआ है कंप्यूटर के पास उसको उससे बात करने के लिए उसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए उससे आउटपुट गेन करने के लिए जैसे सारे लैंग्वेज होते हैं इंग्लिश हिंदी ग्रामेटिकल रूल्स तो वैसे कंप्यूटर के लैंग्वेज होते हैं जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं समझ गए वो कुछ रूल्स से बाउंड होते हैं जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं द यूजर इज बाउंडेड बाई डेट सिंटेक्स वाइल कम्युनिकेटिंग विथ कंप्यूटर सिस्टम जो यूजर होता है वो सिंटेक्स से बाउंडेड होता है कब जब कंप्यूटर सिस्टम से उसको कुछ इंफॉर्मेशन डाटा फीड देना होता है कंप्यूटर सिस्टम से उसको कम्युनिकेट करना होता है तब ठीक है वो भी कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है जैसे पहला है लो लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है वो मशीन लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज में आता है मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज क्या है मशीन लैंग्वेज इज मसीन लैंग्वेज वो होता है जो कंप्यूटर समझता है जो जीरो वन जीरो वन होता है जिसको समझना और लिखना नॉर्मली हमारे लिए मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है उसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं दूसरा है असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज वो होता है जो यूजर समझता है हम समझते हैं उसको असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं ये लैंग्वेज होता है हम जैसे कोई डाटा दे रहे हैं जैसे व्हाट इज़ माय नेम मेरा नाम क्या है तो वो असेंबली लैंग्वेज में हम लिखेंगे और उसको जब हम कंप्यूटर को देंगे तो वो उससे मशीन लैंग्वेज में जीरो वन जीरो वन में कन्वर्ट करके प्रोग्राम वो कंप्यूटर को देगा उसको असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज वो होता है जो यूजर समझ सकते हैं ठीक है थीके? जैसे लो लेवल लैंग्वेज है जो मशीन डिपेंडेंट है जिसको हम नहीं समझ सकते तो हाई लेवल लैंग्वेज वो है जिसको यूजर समझ सकता है जैसे हम आप समझ सकते हैं इंग्लिश हिंदी की तरह ठीक है टू ओवरकम द लिमिटेशन हाई लेवल लैंग्वेज बिन एवॉल्व विच यूज नॉर्मल इंग्लिश लाइक समझ गए ईजी टू अंडरस्टैंड समझने में आसान होता है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आसान होता है हायर लेवल लैंग्वेज आर कंप्यूटर इंडिपेंडेंट ये जो होता है कंप्यूटर इंडिपेंडेंट होता है जो मतलब यूजर आसानी से समझ सकता है ठीक है इसमें देखिए क्या होता है बेसिक बिगनियर ऑल परपजस सिम्बलिक इंस्ट्रक्शन कोड ये बेसिक का फुल फॉर्म है इट इज़ वाइडली यूज ईजी टू लर्न जनरल परपज लैंग्वेज ये बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है ईजी टू लर्न बहुत सीखने में बहुत आसान होता है जनरल लैंग्वेज है मेनली यूज इन माइक्रो कंप्यूटर इन अर्लियर डे जो पहले शुरू में जो माइक्रो कंप्यूटर्स आते थे उसमें यूज किया जाता था इसका दूसरा है कोबॉल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज अस्टैंडर्डाइज लैंग्वेज यूज टू फॉर कॉमर्शियल एप्लीकेशन जो कुछ कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है ठीक है ये फॉर है फॉर्मूला ट्रांसलेशन डेवलप फॉर डेवलप्ड फॉर सॉल्विंग मैथेमेटिकल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम यह किस चीज़ के लिए डेवलप किया गया है कुछ मैथमेटिकल और साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथेमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन का फिर एक सी लैंग्वेज है सी लैंग्वेज है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो साइंटिफिक अप्लीकेशन कॉमर्शियल अप्लीकेशन और गेम डेवलपिंग के लिए यूज किया जाता है और भी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है लेकिन ये एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो नॉर्म नॉर्मली सारे अप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है गेम्स बनाने हो कोई अप्लीकेशन बनाने हो व्हाट्सअप फेसबुक ये सारे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बने हुए हैं ठीक है उसमें एक और लैंग्वेज है सी प्लस प्लस ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यूज फॉर जनरल प्रस जिसको सारे लगभग सारे कार्य के लिए यूज किया जाता है तो हमारा अगला टॉपिक है कंपाइलर एंड असेंबलर कंपाइलर क्या है एज यू नो डेट हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है जो मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होता है हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है असेंबली लैंग्वेज होता है जिसको क्या जिसको हम समझ सकते हैं यूजर समझते हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं और इट इज मशीन डिपेंडेंट येट िक्स दैट ब्रिंग यूज टू रिप्रेजेंट इंस्ट्रक्शन नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाई मशीन जो कि मशीन डायरेक्टली नहीं समझ सकता है उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं ऐसे दोनों लैंग्वेज का यूज करते हैं कंपाइलर और असेंबलर जो क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है समझ गए आप कंपाइलर और असेंबलर का क्या यूज है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कम कन्वर्ट करता है लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है समझ गए द सॉफ्टवेयर डेट रीड द प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लैंग्वल लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इट इंटू इक्वेलेंट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड कंपाइलर वट इज कंपाइलर कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम को रीड करता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में रीड किया हुआ है लिखा हुआ है उसको रीड करता है और उसको ट्रांसलेट करता है किस में मशीन लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर समझ सके उसको क्या बोलेंगे हम कंपाइलर द प्रोग्राम रिटेन इन बाई द प्रोग्रामर हु प्रोग्रामर प्रोग्रामर इज ए यूजर प्रोग्रामर यूजर है जो प्रोग्राम लिखे हुए है हाई लेवल लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे हम सोर्स प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम बोलेंगे उसको किसको जिसको जो प्रोग्राम हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको इनपुट प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम बोलेंगे ठीक है एंड द प्रोग्राम जनरेटेड बाई द कंपाइलर आफ्टर ट्रांसलेशन और वो प्रोग्राम जो कंपाइलर के बाद जनरेट किया गया है कंपाइलर के बाद ट्रांसलेस कंपाइलर के ट्रांसलेट करने के बाद प्रोग्राम जो जनरेट हुआ है उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम देखिए यहां आप फिगर में देख के समझिए ये है सोर्स प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में है उसको फिर यहाँ कंपाइलर कंपाइल करता है मशीन लैंग्वेज में और ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है जो कि किस लैंग्वेज में है मशीन लैंग्वेज में किस लिए ताकि कंप्यूटर समझ सके समझ गए आप कंपाइलर अब देखिए असेंबलर असेंबलर क्या है द सॉफ्टवेयर डेट रीड प्रोग्राम रिटर्न इन असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज क्या है मैं बार बार बोल रहा हूँ असेंबली लैंग्वेज वो होता है जिसको यूजर समझ सकते हैं ठीक है और मशीन लैंग्वेज क्या होता है जो कि कंप्यूटर समझता है तो दो, दो वो सॉफ्टवेयर जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में लिखना उसको क्या बोलते हैं हम असेंबलर समझ गए आप उसका भी एक ब्लॉक डायग्राम है यहाँ छोटा सा देख लीजिए ये सोर्स प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज में है उसको असेंबलर असेंबल assemble करता है ट्रांसलेट करता है फिर वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है किस लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज में जिससे जिसको क्या तो कंप्यूटर समझ सके बाकी ये कुछ क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लेना वॉट यू हैव लर्ट है अगला टॉपिक इसमें क्या है द कम्प मतलब हमने आज क्या पढ़ा हमने क्या पढ़ा आज कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या क्या है कीबोर्ड माउस कैसे एक्सटर्नल डिवाइस हैं जो यूज किए जाते हैं फिर और क्या पढ़ा हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा डिटेल्स में फिर क्या पढ़ा कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ा कैसे सॉफ्टवेयर कैसे कंप्यूटर लैंग्वेज यूज टू प्रिपेयर द सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर के बनाने के काम आते हैं ये सब हमने पढ़ा बाकी बचा क्या ये टर्मिनिक टर्मिनल क्वेश्चन हैं आप इसको सॉल्व कर लेना चैप्टर शायद खत्म हो गया आपका तो ठीक है बच्चों ये पहला चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लेना बाकी अगला चैप्टर फिर हम बाद में पढ़ेंगे तब तक के लिए क्या करना है इस वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके उसको पूछिए हम उसका तुरंत आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय